मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जीके चैप्टर नंबर 11, द नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम मींस राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फर्स्ट टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 17। फर्स्ट पॉइंट इज आवर नेशनल एम्बलम इज अ रेप्लिका ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ नियर वाराणसी इन यूपी। हमारी जो नेशनल एम्बलम है वो डिट्टो कॉपी है लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, जो कि सारनाथ में है नियर वाराणसी इन यूपी, उसकी डिट्टो कॉपी है। ये हमारी गवर्नमेंट ने कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। देर आर फोर लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। बुक में देखिए आपको थ्री लायंस दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में फोर लायंस होते हैं। इसमें एक लायन पीछे होता है जिसका फेस पीछे की बैक साइड में होता है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो हमें ये थ्री लायंस दिखेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हमें फोर लायंस दिखेंगे। ये फोर लायंस किसको सिंबलाइज करते हैं? पावर, प्राइड, करेज एंड कॉन्फिडेंस को सिंबलाइज करते हैं। ऑन इट्स सर्कुलर बेस, ये इसका सर्कुलर बेस है, इस पर फोर एनिमल्स हैं, चार जानवर हैं, जो कि देखिए लायन जो है वो नॉर्थ में है, एलिफेंट ईस्ट में है, हॉर्स साउथ में है एंड बुल इन द वेस्ट। दीज आर सेपरेटेड बाय व्हील्स, व्हील्स दैट सिग्निफाई द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। ये एक व्हील, एक व्हील बीच में व्हील रहता है, ये पहिया सा, और ये चारों साइड में रहते हैं, जो कि क्या दिखाते हैं? ये कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो प्रोग्रेस कर रहा है। व्हेनेवर द एम्बलम इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, जब भी हमारी गवर्नमेंट एम्बलम को यूज करती है, इट इज नेसेसरी टू हैव द वर्ड सत्यमेव जयते राइट अंडर द एम्बलम। ये जरूरी है कि इस एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा लिखना जरूरी है। सत्यमेव जयते मीन्स ट्रुथ अलोन, ट्रुथ मीन्स सत्य की ही जीत हो। आवर नेशनल एम्बलम टेल्स अस दैट वी मस्ट हैव पीस इन द वर्ल्ड एंड नॉट वॉर्स। हमारी जो नेशनल एम्बलम है वो हमें बताती है कि हमें वर्ल्ड में, दुनिया में पीस रखना है, शांति बनाए रखनी है, नॉट वॉर्स, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी कुछ नेशनल एम्बलम की बातें। अब हम करते हैं क्विज टाइम। क्विज टाइम में फर्स्ट है, इन विच स्क्रिप्ट इज सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम, कि जो एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है ये कौन सी लिपि से लिया गया है? ये है शारदा, गुरुमुखी, तुलु या देवनागरी। तो आंसर इज देवनागरी। देवनागरी